एंड पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन है? दो इंसुलेटिंग स्फेयर है अपने पास, छोटे से स्फेयर है दो, ओके। इन दोनों को हमने क्या किया, रब किया। अगर दो स्फेयर को अपन रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, या इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बट जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, मान लो पाँच यहाँ गए तो यहाँ पे पाँच आए, तो पाँच नेगेटिव चार्ज है, पाँच पॉजिटिव चार्ज है, यानी इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, राइट। बट साइन अपोजिट होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों चार्ज को हम एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें, कितना डिस्टेंस पर, एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें, तो इनके बीच में फोर्स दे रखा है, फोर्स आएगा। फोर्स कौन सा आएगा, अट्रैक्टिव आएगा रिपल्सिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। कितना आएगा, 0.1 न्यूटन फोर्स दे रखा है। तो हमें पूछा है कि एक तो चार्ज कितना होगा, और अगर चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वो पता करना है। तो उसके लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे, तो 0.1 इज इक्वल टू के कितना, 9 × 10⁻⁹ Q1 नहीं पता है, क्यू लिख लेते हैं, Q2 नहीं पता है, इसको भी क्यू लिख लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मैं क्यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, राइट। और नीचे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻²² आएगा, और इसका स्क्वायर, राइट। यहाँ से अपने पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा, क्यू स्क्वायर 1/9 × 10⁻¹⁴, राइट। ओके, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 1/3 × 10⁻¹⁷, ये आ गया क्यू, ओके। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तब इतना चार्ज बनेगा, हमें पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है N × E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अब चार्ज हमें गिवन है इतना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा निकाल सकते हैं, तो चार्ज गिवन है तो E कितना आएगा, सॉरी N कितना आएगा, N आएगा Q/E, राइट। क्यू कितना है, 1/3 × 10⁻¹⁷, E कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, राइट। तो यहाँ से अपना N आ जाएगा 2.02 × 10⁻¹⁷, कितना आ रहा है, 11, राइट। ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।